करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ करें, इससे लोग चुनाव में भाग ले सके, अपना फॉर्म भर सके। पिछले दिनों हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीमार हो गए थे, तो समाचार पत्रों में समाचार बड़ा तेजी से उड़ा कि प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री की हैसियत से, बंगाल के प्रभारी की हैसियत से, पश्चिमी बंगाल में दिलीप घोष ही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और अगला विधानसभा चुनाव हम उनके नेतृत्व में ही लड़ेंगे। इसलिए मीडिया के अंदर जो भ्रामक प्रचार हो रहा है, वह कृपया उस प्रचार में, उस समाचार में कोई दम नहीं है। मैं उस समाचार के समर्थन में नहीं हूँ और मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ कि दिलीप घोष ही पश्चिमी बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। उनके नेतृत्व में ही पंचायत का चुनाव भी होगा, आने वाला लोकसभा का चुनाव भी होगा, आने वाला विधानसभा का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी पहले रामनवमी का जुलूस निकालती थी, टीएमसी भी निकाल रही है, अब तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी निकालना चालू कर दिया। तो इस बात का हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना ताकत बढ़ाई है। बंगाल का एजेंडा यदि तय करने का सौभाग्य यदि हमको मिल रहा है, तो हम तो मानते हैं कि बंगाल में हमारा प्रभाव बढ़ा है, न सिर्फ जनता में, टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी में भी हमारा प्रभाव है। दोनों रामनवमी बनाए जो छोड़ा है उसको अभी समर्थन किया है, तो ये महा जो गठबंधन है जो किस तरह से ममता जी को सपना आने लग गया प्रधानमंत्री बनने का, उस सपने में वो जी रही और वो उनको एक सपना ये आ गया कि अभिषेक मुख्यमंत्री बनेगा। तो सारे अपने नेताओं को भी इग्नोर कर रही, जितने भी सीनियर टीएमसी के नेता हैं सबको इग्नोर कर रही, तो उससे उनकी पार्टी में भी असंतोष है। तो मैं तो ममता जी से कहूँगा कि पहले अपने पार्टी के असंतोष को दबाएँ, उसके बाद प्रदेश के बाहर के बारे में सोचें। सपना देखना कोई बुरा नहीं है, वो सपना देखें, पर ममता जी के सपने मंगेतीलाल के सपने ही हो। और एक चीज जो जो यहाँ पर आपका नाम जो जोड़ा जा रहा है, सीआईडी जो आपका जोड़ा जा रहा है, जो जो शिशु जो तस्करी जो हो रहा है उसमें आपका नाम जोड़ा जा रहा है, इससे राज्य में तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। नहीं, देखिए सब जानते हैं मैं कोई नया राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं 6 बार से MLA हूँ, 12 साल मिनिस्टर रहा हूँ। और बंगाल में इतने निम्न दर्जे की राजनीति होगी इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था, पर मुझे न्यायपालिका एक विश्वास है। वो ये समझ रहे होंगे कि इस गीदड़ धक्की से मैं डर के बंगाल आना बंद कर दूँ, शायद ममता जी की गलत फहमी। शिवाजी वो कोस्तम আমি দেখছিলাম যে যারা নীরব মোদি নিয়ে বড় বড় কথা বলছে, 2013 পরই এই ব্যাংক লোনটা হয়েছিল, সুতরাং এর কৈফিয়ত জবাব মমতা ব্যানার্জিকে দিতে হবে এবং স্বাভাবিকভাবে এর জবাব তারাই দেবে। আর একটা কথা, আপনার বারবার প্রশ্ন করছিলেন কৈলাসজিকে সিআইডি নিয়ে, আপনাকে বলি বাংলায় এখন যে পুলিশি রাজ চলছে এটা জ্যোতিবাবুর আমলেও চলেনি, এটা সিদ্ধার্থ রায়ের আমলকে হার মানাচ্ছে। বাংলায় এখন ফ্যাসিবাদ চলছে, পুলিশ যেটা ইচ্ছে করছে, মমতা মানে যেটা ইচ্ছে করছেন তাই করছেন। কৈলাসজি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় নেতা, কৈলাসজি 12 বছর মন্ত্রী ছিলেন, কৈলাসজিকে এক নামে ভারতবর্ষের মানুষ জানে, তার বিরুদ্ধে একটা মামলা লাগিয়ে দিলেই হলো, ভারতবর্ষের মানুষ বিশ্বাস করবে? আমি এক যুগ ভারতবর্ষের সাংসদ ছিলাম, ভারতবর্ষের রেলমন্ত্রী ছিলাম, ভারতবর্ষের জাহাজ মন্ত্রী ছিলাম, হঠাৎ করে আমি যে মুহূর্তে ভারতীয় জনতা পার্টি এলাম আমার নামে মামলা তৈরি হয়ে গেল 2011 সালে 2012 সালে। মমতা ব্যানার্জির এই যে পুলিশি রাজ, আমাদের কোনো ছেলে একটু প্রতিবাদ করলে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার পিছনে গ্যাজা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এই সারা বাংলা জুড়ে, সারা বাংলা জুড়ে আমাদের কয়েক হাজার ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীকে অন্যায়ভাবে পুলিশ আটকে রেখেছে, এটা একটা পুলিশি রাজের সরকার। মোকাবিলা করবেন কিভাবে? দেখুন, গণতন্ত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই মোকাবিলা করতে হয়। আমি তো জেল ভেঙে, আমি তো ইয়ে নই, সন্ত্রাসবাদী দল নই, আমরা তার থেকে বের করে আনবো। লিগ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ব্যাটল দুটোই চলবে এবং আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কৈলাসজির নেতৃত্বে, কৈলাস যেমন প্রহরী, কৈলাসজির নেতৃত্বে যে অভাবনীয় ফল হবে সেটা মমতা ব্যানার্জি ভাবতে পারছে না। মুনালবাবু তো আবার দলের ভিড়ছে, আপনার ভুল ধারণা, আমি জানি না তিনি কারোর সাথে দেখা করছেন, দেখা করাটা আর কি জল মনে পড়ে না। আমার পুরনো বন্ধু টন্ধু নয়, মনোনয়ন এবং চয়ন এটা সবটাই মমতা ব্যানার্জি।